आज हम सीखेंगे हारमोनियम पे हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में हम सरगम पलटा सीखेंगे। तो खुदा आप सबको बरकत दे। वीडियो को जरूर आगे शेयर कीजिएगा, और आप सब की शेयरिंग के बिना कुछ भी नहीं है। तो खुदा आप सबको बरकत दे वीडियो पे आने का, आगे शेयर करने का। आप सबका शुक्रिया। वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें, अभी जो हाथों की पोजीशन होती है, ये जो मतलब जिसे मैं उर्दू में या पंजाबी में अंगूठा कहते हैं, तो इसे थंब भी कहते हैं। ये ऐसे होगा और ये वाली जो उंगली ये ऐसे होगी, ये वाली ऐसे और ये वाली ऐसे। देखिए जरा, नी सा रे म ग रे सा, प नी ध सा नी ध प, म प ध प म ग रे सा। अभी काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें शुरू से बताएं हारमोनियम शुरू किस तरह किया जाता है, तो वो इसके बाद अगली वीडियो खुदा की मेहरबानी से वो बना दूंगा। तो अभी जो जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं, वो पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो नए लोग हैं सीखने वाले, ताकि उन्हें पता चल सके। देखिए, नी सा रे म ग रे सा। जब आदमी थोड़ा सा आगे मतलब जिस तरह आप कर लेंगे ना, तो आप फिर बेहतर, आपको मतलब हाथों की फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी हाथों की पोजीशन बनाने में। फिर आप खुद ब खुद ही खुदा की मेहरबानी से करेंगे। अच्छा, अभी आप पलटा किस तरह बना सकते हैं? पलटा आप कुछ इस तरह बना सकते हैं कि आप मतलब फर्ज करें, आप लेते हैं कोई सा भी राग लेते हैं। अभी मैं काफ़ी बजा रहा हूँ, तो चलो काफ़ी में देख लेते हैं, क्योंकि सात सुर के जितने भी राग हैं वो ये दस ठाट जो है वो मतलब के सात सुरों के ही है। कुछ राग ऐसे हैं जो मतलब सात सुर के मतलब होते हैं। सानी धा प म ब ध प म ग रे ग म ग रे सा, प म प ध प नी ध नी सा नी ध प म प ध प म ग रे नी सा म ग रे। कुछ नए बिगनर होते हैं वो फिर मतलब हाथों की उन्हें पोजीशन का नहीं पता चलता, तो फिर बाद में ना उनके लिए मसला बनता है। तो मैं इसीलिए आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। काफ़ी वीडियो है चैनल पर जो मतलब सीखने वाले लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। सा नी ध ध नी प ग म रे नी सा, ठीक है। तो मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं, खुदा आपको बरकत दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल नहीं है।
तो आपका सपोर्ट चाहिए मेरी बहनों भाइयों। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।